गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर 14. दिस इज अ पोएम. द नेम ऑफ द पोएम इज लिटिल थिंग्स. आई विल एक्सप्लेन द पोएम इन इंग्लिश, देन यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट हिंदी योर सेल्फ, बिकॉज दिस इज अ वेरी सिंपल एंड ईजी पोएम. ओके, देन देर आर फोर स्टेंजास. फोर लाइन्स आर कॉल्ड वन स्टेंजा. वन टू थ्री फोर. दिस पोएम इज डिवाइडेड इन टू फोर स्टेंजास. देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. क्या कि ये एक स्टेंजा है, ये दूसरा. चार लाइन्स मिलकर क्या बना रही है? एक स्टेंजा बना रही है. तो स्टेंजा वाइज हम इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट्रेस इज एक्सप्लेनिंग दैट हाउ लिटिल थिंग्स हैव ग्रेट इम्पोर्टेंस इन लाइफ. शी एक्सप्रेसेस सम फैक्टर्स ऑफ द यूनिवर्स दैट लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक ह्यूज ओशियंस एंड टाइनी सैंड पार्टिकल्स मेक द ब्यूटिफुल लैंड्स. क्या बताया जा रहा है कि छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़े ओशियंस बना देती हैं और सैंड की, मिट्टी की छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर ब्यूटीफुल लैंड बनाते हैं. दिस इज रियली अ हार्ट टचिंग पॉइंट. एंड इन द सेकेंड स्टेंजा में क्या बताया गया है? द पोस्ट एक्सप्लेन्स, द पोएट्रेस एक्सप्लेन्स दैट द लिटिल मोमेंट्स ऑफ लाइफ इवन एज स्मॉल एज हम्बल दे मे बी कलेक्टिवली टर्न इन टू एजेस एंड दीज एजेस मेक इटर्निटी ऑफ द होल लाइफ टाइम. She uses easy and friendly words, but these words have great meaning and impact on us and illuminate almost neglected truth of life. Third stanza में क्या बताया गया है? In the third stanza of the poem, in this stanza, the poet Julia Carney gives the spectacular explanation that even tiny mistakes create a huge difference in life. Our little errors and mistakes lead the soul away from the righteous path. Towards sins and wrong doings. So we should prevent ourselves from doing even a tiny mistake. इसमें ये explain किया गया है कि जो छोटी छोटी गलती होती है वो भी हमारे जीवन में जो छोटे छोटे जो कमियां होती हैं, जो mistakes होती हैं, उन सब के कारण हमारी जो soul है वो सही रास्ते से भटक कर गलत रास्ते पर चली जाती है. इसलिए हमें इन छोटी छोटी गलतियों को भी करने से बचना चाहिए. ठीक है. And in the last stanza, the poetess says that the little deeds of kindness and little words of love make the earth like the heaven and the earth become a better place to live in. She says that little things make everyone happy and are greatly responsible to change our lives. She gives a splendid explanation that how little kind of deed make all the differences. Last stanza mein bataya gaya hai, poetess kya keh rahi hai ki kindness jo hoti hai, jo dayaluta hoti hai, और जो प्यार के जो अच्छे शब्द बोले जाते हैं उन सबसे ये अर्थ जो है ये हेवन के जैसे बन जाती है और जो अर्थ है वो बेटर प्लेस बन जाता है जीवित रहने के लिए. और क्या कह रही है कि जो डिटेल थिंग्स हैं वो सबको हैप्पी और ग्रेटली रेस्पॉन्सिबल बना देती हैं जिससे जो हमारी लाइफ है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर. दिस इज अ वेरी सिंपल एंड ईजी पॉइंट. Then understand it and do the work as always you done.